पार्टनरशिप फर्म में जो लायबिलिटी होती है वो जॉइंट एंड
अनलिमिटेड होती है, ज्वाइंट यानी बिना पे नहीं कर सकता, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर होती है इश्यूर एंड अभय के ऊपर। इन दोनों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है टू पे ऑल लाइबिलिटीज। पहले तीन पार्टनर्स में डिवाइड होता था लाइबिलिटी को, बट विनोद इंसॉल्वेंट हो चुका है तो रिमेनिंग पार्टनर्स में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी टू पे लाइबिलिटीज। तो तब पार्टनरशिप फॉर्म को हम इंसॉल्वेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि उस पार्टनरशिप फॉर्म में अभी भी सॉल्वेंट पार्टनर्स है तो वो पे करेंगे लाइबिलिटीज। बट व्हेन ऑल पार्टनर्स डिक्लेयर एज इंसॉल्वेंट, तो विनोद भी इंसॉल्वेंट हो गया, अभय भी इंसॉल्वेंट हो गया, एंड किशोर भी अगर इंसॉल्वेंट होता है, यानी इन पार्टनर्स के पास सफिशियंट कैश नहीं है टू पे लाइबिलिटीज, तो उस केस में फर्म को डिक्लेयर किया जाता है एज इंसॉल्वेंसी। तो इंसॉल्वेंसी के दो टाइप होते हैं कि एक अगर सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, यानी फर्म इंसॉल्वेंट नहीं हुई है, रिमेनिंग पार्टनर्स को लाइबिलिटीज को पेमेंट कर सकते हैं। बट व्हेन ऑल पार्टनर्स डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, दैट मींस फर्म भी इंसॉल्वेंट हो चुकी है। तो ये दो टाइप रहते हैं, सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंट, टू पार्टनर्स इंसॉल्वेंट में फर्म कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं की जा सकती, क्योंकि एक ना एक पार्टनर सॉल्वेंट रहेगा लायबिलिटीज को पे करने के लिए। बट व्हेन ऑल पार्टनर्स डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, दैट मींस फर्म भी इंसॉल्वेंट हो चुकी है, क्योंकि किसी के पास भी पैसा नहीं है टू पे लायबिलिटीज। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। सपोज इस फर्म ने बिजनेस को चलाने के लिए लोन लिया, सपोज 30 लाख का, तो ये 30 लाख का लोन अब फर्म की जिम्मेदारी है कि ये 30 लाख का लोन रीपे करे। बट कुछ मिसहैपनिंग हुआ, फर्म में बहुत सारे लॉसेस हुए, तो अब फर्म ये लोन को रीपे नहीं कर सकती, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई इसके ऊपर किशोर अभय एंड विनोद के ऊपर, वो पार्टनर्स है तो उनको तो पे करना ही पड़ेगा। तो ये 30 लाख को उन्होंने आपस में डिवाइड किया इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सपोज एग्जांपल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल, अगर वो इक्वल है तो ये 30 लाख की लायबिलिटी तीनों में इक्वली डिवाइड होगी। तो किशोर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि मैं 30 लाख में से 10 लाख पे करने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभय ने कहा 10 लाख पे करने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, विनोद ने कहा 10 लाख पे करने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो फॉर्म पे नहीं कर सकती, लॉसेस चल रहे हैं फॉर्म में, तो फॉर्म तो पे नहीं कर सकती, तो 30 लाख का जो फॉर्म ने लोन लिया उसको रीपे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तीनों में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करती, तो 10 लाख 10 लाख 10 लाख। तो अब किशोर ने कहा यस मैं 10 लाख देने के लिए रेडी हूँ, उनको तो देना ही है क्योंकि वो पार्टनर्स है, उनको तो पार्टनरशिप फॉर्म में लायबिलिटीज उनको पे करना ही पड़ेगा। तो अभय ने कहा यस मैं 10 लाख देता हूँ, विनोद ने कहा यस मैं 10 लाख पे करने के लिए रेडी हूँ। बट पता चला कि विनोद के पास इतनी सफिशियंट कैश है ही नहीं। विनोद ने कहा हम आप ये 30 लाख में से ये 10 लाख में बोला हूँ कि मैं पे करूँगा, बट मेरे पास उतनी सफिशियंट कैश नहीं है। सपोज विनोद डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट है क्या, उसके पास उतना पैसा है ही नहीं, उसकी पर्सनल असेट्स बेचने के बाद भी उसके पास सफिशियंट कैश नहीं है कि ये 10 लाख रुपए वो फॉर्म को दे। उसने कहा कि मैं ये 10 लाख को नहीं दे सकता, बट मैं इसमें से आपको सिर्फ 2 लाख रुपीज ही दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास उतनी कैश है ही नहीं, मेरे पूरी असेट्स बेचने के बाद भी मेरे पास 2 लाख रुपए, तो वो 2 लाख रुपीज मैं आपको पे करने के लिए रेडी हूँ। तो फॉर्म के पास अब किशोर से मिलने वाले हैं 10 लाख, अभय से मिलने वाले हैं 10 लाख, और विनोद से कितना मिलेगा, सिर्फ 2 लाख रुपीज ही मिलेगा, यानी 30 लाख में से अभी भी फॉर्म ने पूरा पेमेंट लोन के अगेंस्ट नहीं किया, 10 + 10 = 20 + 2 = 22 लाख ही फॉर्म उस लोन के अगेंस्ट पे कर पाई, यानी लोन का अभी भी बैलेंस है 8 लाख रुपीज। फिर ये 8 लाख रुपीज जो अभी भी लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं हुआ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी रिमेनिंग पार्टनर्स यानी किशोर एंड अभय। विनोद तो इंसॉल्वेंट हो चुका है ना, उसने जो इतना पैसा देना था दे दिया, उसने कहा
अब मेरे पास कोई भी पैसा है ही नहीं, मैं सिर्फ आपको 2 लाख रुपए ही दे सकता। तो अब विनोद से इसमें से एक भी पैसा मिल देने वाला, तो विनोद ने तो पहले हाथ खड़े कर दिया मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये 1 लाख रुपीज जो लोन अनपेड है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई किशोर एंड अभय, तो वो इक्वली डिवाइड करेंगे। इक्वली डिवाइड करेंगे तो हमारे छत को 4 लाख रुपीज पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, जिम्मेदारी आ गई। तो किशोर ने कहा यस मुझे 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और अभय ने कहा यस 4 लाख रुपीज मुझे देने हैं। बट पता चला कि ये अभय के पास 4 लाख रुपीज पे करने की इतनी सफिशियंट कैश है ही नहीं, उसकी पूरी पर्सनल असेट्स बेच दी। पर्सनल असेट्स बेचने के बाद उसे पता चला कि इसमें से वो सिर्फ 2 लाख रुपीज दे सकता है, बचे हुए 2 लाख रुपीज वो पे कर ही नहीं सकता क्योंकि वो भी अब इंस्टॉलमेंट हो चुका है। तो वो इंस्टॉलमेंट होने के बाद उसके पर्सनल असेट्स बेच करके हम उसकी स्टेट से 2 लाख रुपीज ही रिकवर कर पाए। यानी अब है किशोर 4 लाख रुपीज दे रहा है और अभय की स्टेट से 2 लाख रुपीज मिलने वाले हैं, यानी ये लोन में से 6 लाख का ही लोन रिपेड होने वाला है। यानी अभी भी इस लोन का 2 लाख रुपीज बचा है पे करने का। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ गई, पूरी की पूरी अब किशोर पे आ गई, क्योंकि विनोद ने तो पहले ही बोल दिया मेरे पास पैसा नहीं है, अभय ने कहा मैंने मेरे स्टेट से 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, उसके बाद मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मैंने अब अभय से भी मिलने की आशा नहीं है। अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी आ गई किशोर के ऊपर। अब किशोर को क्या करना है, बचा हुआ ये 2 लाख रुपीज डिवाइड करना। तो ये 2 लाख रुपीज पूरा का पूरा किशोर को देना पड़ेगा। बट पता चला ये प्रीपे करते करते रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते लेते किशोर भी इंस्टॉलमेंट हो चुका। अब किशोर के पास भी उतना पैसा नहीं है, किशोर के पर्सनल असेट्स बेच के हम सिर्फ सपोज किशोर से 1 लाख ही रुपीज रिकवर कर पाते हैं। दैट मीन्स 2 लाख में से 1 लाख रुपी हम तो आराम से पे करेंगे, बट बचा हुआ 1 लाख रुपी हम उस लोन के अगेंस्ट पे कर ही नहीं सकते क्योंकि फर्म तो लॉस में चली गई थी ना पहले। तो ये लोन की पेमेंट की जिम्मेदारी किशोर पे विनोद पे ट्रांसफर हो चुकी थी, उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड किया। पे करते करते एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होते गया और लास्ट में अभी भी यहाँ पे 1 लाख का पेमेंट बच गया। क्या हम दे पाएंगे ये 1 लाख रुपीज, नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब फर्म के पास भी पैसा नहीं है और इंडिविजुअल पार्टनर्स के पास भी पैसा नहीं है। तो ये 1 लाख रुपीज जिससे भी हमने लोन दिया उनको हमको बोलना पड़ेगा कि ये लॉस हमको बेयर करना पड़ेगा, हमारे पास अब पैसा ही नहीं है। तो ये 1 लाख रुपीज आपके पैसे डूबने वाले हैं, ना फर्म के पास पैसा है ना हमारे पार्टनर्स के पास अब पैसा है। तो ये 1 लाख रुपीज आपको बेयर करने पड़ेगा। इसका क्या मीनिंग है कि जब सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं तो सबकी कैश मिला के भी हम सब उनके पास सफिशियंट कैश नहीं रहेगी टू पे लायबिलिटीज। तो जब सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं तो उनके पास ये एक्सटर्नल को पे करने के लिए भी पैसा नहीं रहेगा। तो एक्सटर्नल को कितना पेमेंट किया जाएगा, उनको कितना लॉस बेयर करना पड़ेगा, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा व्हेन ऑल पार्टनर्स डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। एक बार वापस, जब सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं दैट मीन्स फर्म के पास तो पैसा है ही नहीं, वो फर्म भी डूब चुकी है, पार्टनर्स भी डूब चुके हैं, तो फिर पैसा पे करेंगे तो कैसे करेंगे? असेट्स बेच के जो भी कैश आएगी वो सफिशियंट नहीं रहेगी टू पे लायबिलिटीज। सारे पार्टनर्स की पर्सनल असेट्स बेचने के बाद भी पैसा आपने देखा तो सफिशियंट नहीं रहेगा टू पे एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तभी तो फर्म को हम इंस्टॉलमेंट करेंगे। तो जब फर्म इंस्टॉलमेंट होती है यानी सब मिला के अमाउंट अगर हम देखेंगे तो वो सफिशियंट नहीं रहेगा टू पे एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल को पे करने के लिए पैसा नहीं है तो पार्टनर को कहाँ से पेमेंट करेंगे? तो ऐसे केस में एक्सटर्नल को कुछ ना कुछ लॉस बेयर करना पड़ेगा। कितना लॉस एक्सटर्नल बेयर करेंगे, उनको हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा, ये सब कैलकुलेशंस के लिए हमें एक्सटर्नल लायबिलिटीज
अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे। तो कितना लॉस बेयर करना है, क्रेडिटर्स को कितना पे करेंगे, बिल्स पेबल को कितना पे करेंगे, क्रेडिटर्स को हम कितना लॉस बेयर करने के लिए बोलेंगे, बिल्स पेबल को हम कितना लॉस बेयर करने के लिए बोलेंगे, लोन को हमने बोल दिया कि आपको बनता है फीस का लॉस बेयर करना पड़ेगा, हमने उनको कितना पेमेंट किया, ये सारी चीज कैलकुलेट करने के लिए हमको सारे एक्सटर्नल अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे। दैट मीन्स हम यहाँ पे एक्सटर्नल अकाउंट क्लोज नहीं करेंगे, हमको इसको ओपन ही रखना पड़ेगा और इनको पेमेंट सबसे लास्ट में करना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैश मिली तुरंत एक्सटर्नल में बांटते, क्यों, क्योंकि यहाँ फॉर्म इंसॉल्वेंट नहीं हुई थी, फॉर्म के पास पैसा था और उन सॉल्वेंट पार्टनर्स के पास भी पैसा था, बट यहाँ सिचुएशन अलग है, यहाँ फॉर्म भी लॉस में जा रही है, सारे पार्टनर्स भी इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, तो हम एक्सटर्नल को फुल पेमेंट नहीं कर सकते। एक्सटर्नल को कितना पेमेंट करना है ये फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे एक्सटर्नल अकाउंट्स भी ओपन करने हैं। तो जो क्वेश्चन दिया है, एक बार इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। फास्ट, किशोर अभय एंड विनोद वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। They decided to dissolve the firm when their position was as under liability asset. Then the firm was dissolved and check on third point, all partners were declared insolvent. सारे partners insolvent हैं, इसके पास भी पैसा नहीं है, तो payment करेगा कौन? Payment liabilities को कितना करेंगे? इसके लिए मुझे सारे external liabilities को open करना पड़ेगा। तो देखो कौन सी external liabilities, liability में capital accounts, creditors, bills payable। तो जो creditors 50,000 है, इनको तो हम कहेंगे कि ये भूल जाओ कि आपको पूरे 50,000 मिलेंगे, क्यों, फर्म भी डूब चुकी, पार्टनर्स भी डूब चुके। बिल्स पेबल 20,000 के थे, तो वो बिल्स पेबल को हम कहेंगे कि 20,000 को आपको पूरा मिल ही नहीं सकता, फर्म भी डूब चुकी, पार्टनर्स भी डूब चुके, तो कितना लॉस आपको बेयर करना है ये हम आपको बताएंगे और उतना रिमेनिंग अमाउंट हम आपको पे करेंगे। तो क्रेडिटर्स ने कितना लॉस बेयर किया, बिल्स पेबल ने कितना लॉस बेयर किया, ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओरली तो नहीं कर सकते, तो मुझे इनके अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें कौन से कौन से अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश ये तो ओपन होगा ही, साथ साथ क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड वन मोर अकाउंट एडिशनल बनेगा, कौन सा देखते हैं। तो सभी हमारे साथ अकाउंट्स ओपन करेंगे। सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ फॉर्म ओपन रियलाइजेशन अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ फॉर्म रियलाइजेशन अकाउंट then partners capital account, नॉर्मल क्वेश्चन में हम कोई ओपन करते ही है, क्वेश्चन में बैंक दिया है तो बैंक अकाउंट, ये नॉर्मल तो हम लोग ओपन करेंगे ही अकाउंट जैसे हम नॉर्मली करते हैं, बट इसके साथ साथ यहाँ पे सारे पार्टनर्स इंस्टॉलमेंट हुए हैं को लॉस बेयर करना है, इसीलिए कितना लॉस बेयर करना, कितना पेमेंट करना, ये फाइंड आउट करने के लिए जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होंगी उन सब के अकाउंट्स ओपन किए जाएंगे। तो कितनी है इस क्वेश्चन में एक्सटर्नल लायबिलिटीज, दो है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो ओपन करते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट एंड ओपन करते हैं बिल्स पेबल अकाउंट। अगर बैंक लोन होता तो हमने बैंक लोन अकाउंट में ओपन किया होता, जितने भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो
रहेगा, दैट इज डेफिशिएंसी अकाउंट। कितनी डेफिशिएंसी है, कितना लॉस बेयर करना है, तो वो टोटल लॉस मुझे लगेगा और वो टोटल लॉस को हम डेफिशिएंसी टर्म देते हैं, इसीलिए मुझे वो टोटल लॉस को पहले डेफिशिएंसी अकाउंट में शो करना पड़ेगा और वहां से एक्सटर्नल लायबिलिटीज में मुझे उसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसीलिए ओपन किया जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट। तो सभी ओपन करेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट। तो व्हेन ऑल पार्टनर्स डिक्लेयर एज इंसॉल्वेंट, जब सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं, दैट मींस हम एक्सटर्नल को फुल पेमेंट तो कर ही नहीं सकेंगे, तो एक्सटर्नल को लॉस बेयर करना है, इसीलिए हमने अकाउंट्स में ये ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज अकाउंट, वन मोर अकाउंट दैट इज डेफिशिएंसी अकाउंट। तो टोटल कितनी डेफिशिएंसी रहेगी, टोटल लॉस कितना रहेगा, जिसमें से मुझे क्रेडिटर्स और डेब्टर्स पेबल में डिवाइड करना पड़ेगा, इसीलिए हमने ओपन किया डेफिशिएंसी अकाउंट विद इन 2 मिनट्स। जल्दी से रूलिंग कंप्लीट करेंगे सभी। अब हम पहले बैलेंस शीट को आंसर में ट्रांसफर कर लेते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहला दिया है कैपिटल अकाउंट्स, क्या हमने कैपिटल अकाउंट्स ओपन किया है ना, तो ट्रांसफर करो बैलेंसेस की शो बिलो द अकाउंट में बाय बैलेंस ड्रॉप डाउन, किशोर्स बैलेंस इन किशोर्स अकाउंट 9800, 9100 एंड 6100 कर दिया। Now, creditors bills payable, क्या हमने creditors bills payable account separately prepare किए हुए है क्या? Answer is yes, हमने दिया है। क्यों? सबको reason मालूम है। तो creditors का balance मुझे realization में नहीं, मुझे creditors account में ही transfer करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने creditors account separately open किया हुआ है। तो creditors liability में है ना, तो बैलेंस हम क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट में ही लिखेंगे 50,000, बट क्रेडिटर्स में हम क्रेडिटर्स का नाम नहीं लिख सकते, इसीलिए बाय बैलेंस ड्रॉप डाउन। नेक्स्ट एंट्री इज बिल्स पेबल, क्या हमने बिल्स पेबल अकाउंट ओपन किया है? यस किया है, तो इसका बैलेंस मुझे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है, मैंने इसको सेपरेटली अकाउंट ओपन किया है, तो बिल्स पेबल का बैलेंस हम ट्रांसफर करेंगे बिल्स पेबल अकाउंट में 20,000 ऑन द क्रेडिट साइड, ये लायबिलिटी में है, बट बिल्स पेबल को हम बिल्स पेबल नहीं लिख सकते, इसलिए बैलेंस ड्रॉप डाउन। लायबिलिटीज की कोई भी एंट्री रियलाइजेशन में ट्रांसफर क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने हर एक अकाउंट सेपरेटली ओपन किया है, कैपिटल अकाउंट ओपन किया, क्रेडिटर्स अकाउंट ओपन किया, बिल्स पेबल अकाउंट ओपन किया है। नाउ असेट्स, बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर्स अकाउंट ओपन है? नहीं, तो मुझे ऐसे अकाउंट्स कहाँ ट्रांसफर करने हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में तो करते हैं, इनको तो मुझे मार्केट में बेचना ही पड़ेगा, इसीलिए इनके बैलेंसेस को मुझे क्लोज करना पड़ेगा और रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। 8900 बिल्डिंग मशीनरी, 26700
स्टॉक 12,500, डेटर्स 16,900. नेक्स्ट इज बैंक अकाउंट. यस, हमने सेपरेटली ओपन किया है बैंक, तो बैंक बैलेंस हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा बैंक अकाउंट में ऑन द डेबिट साइड. असेट में है इसमें 11,000. नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. या तो ये प्रॉफिट है नहीं तो ये लॉस है. असेट में है नहीं लॉस है, क्योंकि अमाउंट रिकवरेबल होती है लॉस की. असेट में है नहीं तो अमाउंट इज रिसीवेबल. तो ये लॉस को मुझे पार्टनर्स में डिवाइड करना पड़ेगा. तो पार्टनर्स की शो रखे विनोद में हम डिवाइड करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 2:2:1. तो टोटल 9,000 को फर्स्ट पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करेंगे 2/5, सेकंड पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करेंगे 2/5, थर्ड पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करेंगे 1/5. यस, 5 से अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो 1,800, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,600 एंड 1,800 डेबिट में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. फर्स्ट पार्टनर शेयर इज 3,600, सेकेंड पार्टनर शेयर इज 3,600, थर्ड पार्टनर शेयर इज 1,800. नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे ही किया. ठीक, अब हम करेंगे फॉर्म बंद हो रही ना, क्यों डिसॉल्व हो रही, सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हुए, तो सारे असेट्स को मार्केट में पहले तो बेच, कितना बेचना है, कितने में असेट सेल हुई है, आपको मिलेगा एडजस्टमेंट. द फर्म वाज डिसॉल्वड ऑन द अबाउट डेट एंड फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑफ रियलाइजेशन वेयर एज अंडर द असेट्स रियलाइज एज अंडर बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेट. असेट रियलाइज हुए हैं यानी मार्केट में, असेट रियलाइज हुई है यानी मार्केट में सेल. जब सारे पार्टनर्स इंस्टॉलमेंट होते हैं ना तो हम कोई भी असेट पार्टनर को नहीं बेच सकते, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है. तो उससे अच्छा तो मार्केट में बेच दो, थोड़ा बहुत तो पैसा मिलेगा. तो जब सारे पार्टनर्स इंस्टॉलमेंट होते हैं ना तब आपको कभी भी असेट टेकन बाय पार्टनर नहीं मिलेगा. तो असेट्स पूरी की पूरी मार्केट में ही रियलाइज होगी. तो चेक करो कोई भी असेट इशू अगर विनोद ने टेक ओवर नहीं किया, सारी की सारी असेट्स रियलाइज हुई है. प्रिपेयर चार्ट डेफिशिएंसी अकाउंट के नीचे मैं यहाँ बता रही हूँ क्योंकि स्ट्रेस नहीं है. फर्स्ट वर्किंग नोट फॉर असेट, सोल्ड करेंगे दो कॉलम, टेकन बाय कोई भी इस टाइप में असेट्स टेकन बाय पार्टनर रहने वाला नहीं है. तो इसलिए आपको दिया है द असेट्स रियलाइज्ड एज अंडर बिल्डिंग 10,300, मशीनरी 17,500, फर्स्ट असेट इज बिल्डिंग मशीनरी 1,700. Now, first record entry of assets realized. पहले आप करेंगे assets realized की एंट्री, फिर मैं बोर्ड पे करती हूँ और रुक जाएंगे. लाइब्रेटीज का चार्ट आप बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करेंगे, सिर्फ पोस्ट करो assets realized की एंट्री. चेक कर लेना करेक्ट है, कॉपी नहीं करना है, चेक करना है. Realization की credit में as it is income for the business, immediate cash मिला इसलिए इसके आगे लिखा by bank, तो bank account में भी हमने post किया to realization. Now अच्छे से समझना है, अब assets को हम जब cash में convert करते हैं तब हमें ये cash
पेमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन एक्सटर्नल लायबिलिटीज को कुछ ना कुछ फर्म का लॉस बेयर करना पड़ेगा। क्यों बेयर करना पड़ेगा? फर्म के पास भी पैसा नहीं है और सारे पार्टनर्स के पर्सनल असेट बेचकर भी उतना पैसा नहीं है टू पे एक्सटर्नल लायबिलिटीज। चेक कर लो मुझे क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना है, 50। मुझे बिल्स पेबल को कितना पेमेंट करना है, 20। सफिशिएंट कैश है क्या? अगर मैं चेक करती हूँ तो 50 to 700 है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 50 to 700 में से पूरे के पूरे क्रेडिटर्स को 50,000 रुपए दे दें। ऐसा नहीं होता। सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज को थोड़ा थोड़ा पेमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। तो फुल लॉस क्रेडिटर्स, फुल लॉस बिल्स पेबल ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा लॉस दोनों को बेयर करना ही पड़ेगा। और इन लायबिलिटीज को पे करने के लिए हमने पर्सनल असेट से भी कुछ ना कुछ कैश रिकवर करने वाले हैं पार्टनर से, फिर हम देखेंगे कि उनको हम कितना पेमेंट कर सकते हैं। तो जब सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं तो हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज को इंस्टेंट पे नहीं करेंगे, उनको थोड़ा बहुत लॉस बेयर करना पड़ेगा क्योंकि फर्म भी डूब चुकी है और पार्टनर्स भी इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। तो उनको कितना लॉस बेयर करना है ये मुझे जानना है। तो अभी हम एक्सटर्नल के लायबिलिटीज के पेमेंट की कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, हमें सबसे लास्ट में पे करना पड़ेगा एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो और कोई पेमेंट हुआ है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। आपको दिया है पॉइंट नंबर 2, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 1,700। व्हाट इज रियलाइजेशन एक्सपेंस? जब हम फॉर्म डिसॉल्व कर रहे थे तो कुछ ना कुछ डिसोल्यूशन पे हमारे एक्सपेंसेस हुए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में कहा था कि सपोज ये मशीनरी है, मशीनरी को मुझे मार्केट में लेकर के जाना है तो मुझे ट्रांसपोर्ट लगेगा, स्टॉक को मार्केट में लेकर के जाना है तो मुझे ट्रांसपोर्ट लगेगा, ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस यानी रिक्शा चार्जेस। तो क्या उस पर्सन को हम बोलेंगे कि हमारे पास सब फॉर्म भी डूब चुकी है, हमारे पास भी पैसा नहीं है, हमारे पार्टनर्स के पास भी पैसा नहीं है, मशीनरी मार्केट में मेरे लेकर के जाओ बट हम अभी आपको पेमेंट नहीं करेंगे, हम बाद में जब कोड बताएगा तब पेमेंट करेंगे? ऐसा होगा क्या? नहीं, उनको तब तो तुरंत पे करना पड़ेगा। तो जो इंस्टेंट पेमेंट होते हैं, जो रिजोल्यूशन के वक्त आपको पे करना ही है, वो आपको तुरंत पे करना ही पड़ेगा। तो ये ऐसे एक्सपेंसेस को इमीडिएट हमें पेमेंट करना पड़ेगा। और वो एक्सपेंसेस कितने हुए हैं? 1,700। क्या हमारे पास 1,700 कैश है ना, तो वो रिक्शा चार्जेस हम तुरंत दे देंगे, किसी ब्रोकर को कमीशन दे देंगे। मैंने अगर ये बिल्डिंग किसी ब्रोकर के थ्रू यानी एजेंट के थ्रू बेची है तो वो एजेंट को हम ये नहीं बोलेंगे ना कि अभी हम आपको पेमेंट नहीं कर सकते, मेरी फॉर्म भी डूब चुकी है, मेरा पार्टनर्स भी डूब चुके हैं, तो वो हमारे बिल्डिंग को क्यों रियलाइज करेगा, क्यों बेचेगा? तो वो एजेंट को आपको इमीडिएट पैसा देना ही पड़ेगा। तो ऐसे एक्सपेंसेस आपको इमीडिएटली पे करने पड़ेंगे। कितना पे किया? 1,700 पे किया है ना, एक्सपेंस है रियलाइजेशन के डेट में। कैश इज गोइंग आउट, बैंक अकाउंट इसको आपको चार्ट में ऐसा शो करने की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि हम बाकी कोई भी लायबिलिटीज को इंस्टेंटली पे नहीं करते हैं। रियलाइजेशन के डेट में टू बैंक टू बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन सारे पार्टनर्स की पर्सनल असेट्स बेचने के बाद पता चलेगा कि हमको क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को कितना हम पेमेंट कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा ना कि किशोर अभय एंड विनोद अपने पर्सनल असेट से कितना पैसा लेकर के आ रहे हैं, जिसके लिए मुझे उनके अकाउंट की एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए, जिसके लिए सबसे पहले हम अकाउंट यूज करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। फाइंड आउट द बैलेंस, डिवाइड अमंगस्ट ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और लूट जल्दी। इस केस में तो लॉस ही मिलेगा, फॉर्म भी डूब चुके हैं अगर लॉस ही मिलेगा। चेक कर लो करते हैं 2/5 2/5
नेक्स्ट पार्टनर का, सेकंड शेयर सेकंड पार्टनर का, थर्ड शेयर थर्ड पार्टनर, रियलाइजेशन के क्रेडिट में है पार्टनर्स के क्रेडिट टू रियलाइजेशन. अब हम अभय अकाउंट का पोजीशन देखेंगे.
पहले क्या था, मैं इंस्टॉलमेंट हो चुका हूँ, मेरे स्टेप से इतना पैसा आपको मिल ही नहीं सकता, उसकी स्टेप से हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ दिया हुआ है। ऑल पार्टनर्स वर डिक्लेयर्ड एज इंस्टॉलमेंट रिकवरी फ्रॉम देयर करंट स्टेट वाज एज फॉलोस। किशोर 2000, अभय की स्टेट से कितने मिले 3000, यानी कितने लगे मिले 5000। जो मिला उसे भी रिकॉर्ड करेंगे, जो नहीं मिला उसे भी रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले जो अमाउंट रिसीव हुई पैसा मिल रहा है तो बैंक में चला जाएगा। किसके स्टेट से मिल रहा है, अभय उसके आगे वो अभय से बैंक के डेबिट में लिखा है टू अभय, तो अभय के क्रेडिट में जो ऑलरेडी बैंक लिखा है तो उसी में अभय के सामने लिख देंगे 3000। ठीक ना, जो अमाउंट नहीं मिला वो किसी ना किसी को बेयर कर, फॉर्म बेयर नहीं कर सकती, इंस्टॉलमेंट हो चुकी है, लॉस भी है, कोई पार्टनर भी इंस्टॉलमेंट नहीं है, सारे के सारे इंस्टॉलमेंट है, तो ये कोई भी पार्टनर बेयर नहीं करेगा, तो ये बेयर करेंगे क्रेडिटर्स एंड प्रिंसिपल। तो ये अभय के अकाउंट की ये जो डेफिशिएंसी है क्रेडिट में लिखनी पड़ेगी, क्योंकि डेबिट की टोटल ज्यादा थी, तो हम इस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट। सारी डेफिशिएंसी पहले एक जगह लेकर के आएंगे। किशोर के स्टेट से 5800, अभय के स्टेट से 5500, यहाँ क्रेडिट में लिखा है तो यहाँ डेबिट में टू अभय से। अब ऐसा ही पहले आप कैलकुलेट करेंगे लास्ट पार्टनर का डेफिशिएंसी अमाउंट, सारी एंट्रीज करो, जितना पैसा मिला उसको रिकॉर्ड करो, जो नहीं मिला वो डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर। विनोद अकाउंट का पोजीशन पहले कैलकुलेट करो, टेक टोटल ऑफ विनोद्स डेबिट, विनोद्स क्रेडिट, फाइंड आउट द बैलेंस। विनोद के अकाउंट में ऐसी पोजीशन है डेबिट 8800, क्रेडिट 6100, बैलेंस 2700। आपको ये अमाउंट बिजनेस को देना पड़ेगा क्योंकि डेबिट बैलेंस है, यानी अमाउंट इज रिसीवेबल। विनोद ने कहा मैं तो इंस्टॉलमेंट हो चुका हूँ, मेरे पास पैसा ही नहीं है, कितना अमाउंट रिकवर कर पाया लास्ट पॉइंट में दिया है विनोद की स्टेट से हम रिकवर कर पाए हैं नील नील, यानी उसके स्टेट से एक भी पैसा नहीं मिला, क्योंकि पूरा का पूरा हो गया उसका डेफिशिएंसी, दैट इज लॉस। ये लॉस कौन बेयर करेगा, फॉर्म तो डूब चुकी है, पार्टनर्स भी डूब चुके हैं, तो आउटसाइडर्स, तो इसीलिए आउटसाइडर्स में डिवाइड करने के लिए पहले ये लॉस को हम ट्रांसफर करेंगे डेफिशिएंसी। विनोद के क्रेडिट में है तो डेफिशिएंसी के डेबिट में 2700 टू विनोद कैपिटल। किशोर के स्टेट से लॉस होने वाला है 5800, विनोद अभय के स्टेट से मिलने वाला नहीं है 2700, विनोद के स्टेट से मिलने वाला नहीं है, तो ये टोटल लॉस इंडिविजुअल पार्टनर की डेफिशिएंसी बेयर करेंगे क्रेडिटर्स एंड प्रिंसिपल। तो उसके पहले अगर मैं देखती हूँ तो इनके कैपिटल अकाउंट सबको टैली मिलेगा, क्यों टैली मिलेगा, जितना पैसा रिकवर करना था रिकवर कर लिया, बैलेंस को डेफिशिएंसी में ट्रांसफर कर दिया। क्यों ट्रांसफर किया, क्योंकि मुझे इन सारी डेफिशिएंसी को आउटसाइडर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमको इस डेफिशिएंसी को एक जगह लाना पड़ेगा, दैट इज डेफिशिएंसी अकाउंट। नाउ टेक द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ डेफिशिएंसी एंड क्रेडिट साइड ऑफ डेफिशिएंसी, क्रेडिट में तो कुछ है नहीं, डेबिट की टोटल ले 14,000, तो बैलेंस ये डेफिशिएंसी अकाउंट में कितना है 14,000। अब ये 14,000 की टोटल डेफिशिएंसी टोटल लॉस कौन बेयर करेगा, फर्म इंसॉल्वेंट, पार्टनर्स इंसॉल्वेंट, बेयर कौन करेंगे आउटसाइडर्स। तो हम आउटसाइडर्स को कहेंगे कि हाँ वो लॉस दिख रहा है 14,000 का, तो ये 14,000 में से कुछ लॉस बेयर करेंगे क्रेडिटर्स, कुछ लॉस बेयर करेंगे। कितना लॉस क्रेडिटर्स बेयर
बैलेंसेस के रेशियोज निकाले जाए, उनका बैलेंस, क्रेडिटर का बैलेंस 50,000, बिल्स पेबल का बैलेंस 20,000, इनका रेशियो देते हैं। रेशियो के लिए मैक्सिमम जीरोस हम कट कर देंगे तो रेशियो रहेगा 5:2। तो क्रेडिटर्स फर्स्ट 5, बिल्स पेबल नेक्स्ट 2, तो 14,000 में से क्रेडिटर्स को अगर शेयर कैलकुलेट करना है तो 5/7, 7 कहां से आया, 5:2। बिल्स पेबल में 14,000 × 2/7 बेयर करना पड़ेगा, तो 14,000 का 2/7 एंड 5/7 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 10,000 एंड यस 4,000। तो क्रेडिटर्स को टोटल डेफिशिएंसी में से हम बताएंगे कि 10,000 का लॉस आपको बेयर करना है, यानी हम आपको 50,000 दे ही नहीं सकते, फर्म के पास भी पैसा नहीं है, पार्टनर के पास भी पैसा नहीं है, तो ये 10,000 रुपए आप भूल जाओ, आपके पैसे डूब गए। हम आपको 50 में से 10 नहीं दे सकते बट हम 40,000 आपको जरूर देंगे। तो टोटल डेफिशिएंसी 14,000 में से क्रेडिटर्स ने ये डेफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10,000 एंड बिल्स पेबल में डिवाइड की जाएगी 4,000। ये 10,000 क्रेडिटर्स बेयर करने वाले हैं, इसलिए इसके आगे लिखा पैन क्रेडिटर्स, 4,000 बिल्स पेबल बेयर करने वाले हैं, इसलिए इसके आगे लिखा बिल्स पेबल। डेफिशिएंसी के क्रेडिट में लिखा है तो मुझे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल में डेबिट में लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के डेबिट में लिखेंगे टू डेफिशिएंसी। बिल्स पेबल लिखा है डेफिशिएंसी के क्रेडिट में तो हम बिल्स पेबल के डेबिट में लिखते हैं टू डेफिशिएंसी। इसका क्या मतलब है कि क्रेडिटर्स हमारे कितने थे 50, उनको हमने क्या कहा आपको ये डेफिशिएंसी बेयर करनी पड़ेगी 10,000, और बचा हुआ बैलेंस 14,000 हम आपको पे कर देंगे, इसीलिए इसके आगे लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट। अगर मैं क्रेडिटर्स के डेबिट में लिखती हूँ टू बैंक, तो बैंक के यस क्रेडिट में लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। बिल्स पेबल था हमारा 20,000 का, बट इसमें से हम उनको कहेंगे आपको 4,000 का लॉस बेयर करना पड़ेगा और बचा हुआ बैलेंस हम आपको पे कर देंगे। बिल्स पेबल के डेबिट में टू बैंक, बैंक के क्रेडिट में बैलेंस के अकाउंट। यानी जब सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, यानी फर्म भी इंसॉल्वेंट, फर्म के पास पैसा नहीं, पार्टनर्स के पास पैसा नहीं, तो आउटसाइडर्स को सबसे लास्ट में पेमेंट किया जाएगा। तो पहले जितना पैसा रिकवर करना है पार्टनर से रिकवर करेंगे, टोटल डेफिशिएंसी देखेंगे, टोटल डेफिशिएंसी जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होंगी उनके बैलेंस रेशियो पे डिवाइड करेंगे और बचा हुआ पेमेंट करेंगे एक्सटर्नल को। तो देखो अब आपका बैंक अकाउंट पहले सभी।